नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एज अ साइकेट्रिस्ट काम करता हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला में है, महाराष्ट्र में। वहाँ मैं एज अ साइकेट्रिस्ट काम करता हूँ। मैं कुछ वीडियोस से पिछले सीरीज में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है, बच्चे मोटिवेट कैसे हो सकते हैं, और उसी का कंटिन्यूशन मैं आज लेकर आया हूँ। आज को जो वीडियो है वो है एडिक्शन के ऊपर। हम आजकल ये बहुत देख रहे हैं कि बच्चों को एडिक्शन लग गया है। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन, चैटिंग एडिक्शन, फेसबुक एडिक्शन, गेम्स खेलने का एडिक्शन, ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस हैं जो बच्चों को लग गए हैं। उसके कारण बच्चों का जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, पढ़ाई पे जो ध्यान है, वो पूरी तरह खराब हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं, जो बोलते हैं कि हमें अलग अलग प्रकार के एडिक्शन हो गए हैं और एडिक्शन के कारण हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकते। अनफॉर्चुनेटली ये जो एडिक्शन की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इनफैक्ट लड़कियां भी आजकल आ रही है और बोल रही है कि मुझे चैटिंग का एडिक्शन हो गया है, बॉयफ्रेंड्स का एडिक्शन हो गया है, टीवी देखने का एडिक्शन हो गया है, अल्कोहल का एडिक्शन हो गया है। तो ये सब जो चीजें हैं उससे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डैमेज हो रहा है। होता क्या है, हमने ये समझना जरूरी है कि एडिक्शन जब हम कोई भी चीज बार बार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल बार बार लेते हैं, सिगरेट बार बार लेते हैं, चैटिंग बार बार करते हैं, तो उससे हमारे जो डोपामाइन न्यूरॉन्स है वो स्टिमुलेट होते हैं और जो रिवॉर्ड सेंटर है वो स्टिमुलेट होता है ब्रेन में, और उसी के कारण जो डोपामाइन की संख्या है, डोपामाइन ये हैप्पीनेस का केमिकल है, और डोपामाइन की संख्या अगर बढ़ गई तो हमारे ब्रेन स्टिमुलेट होता है और हमको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, और फिर बार 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 हमें वही करने की आदत तैयार होती है। इसलिए कोई भी चीज अगर कोई भी व्यक्ति बार बार कर रहा है तो हमने एज अ पेरेंट हमेशा उनको ये ध्यान दिलाना है कि वो चीज बार बार करनी नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं एक ही बार तो अल्कोहल लिया हूं, एक ही बार तो शराब पिया हूं, तो क्या हुआ? लेकिन नहीं, हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि अल्कोहल एक बार पिया या 10 बार पिया, आपने वो चीज किया है तो आप गिल्टी है। आपने अगर सोशल मीडिया पे चैटिंग किया है, फेसबुक पे चैटिंग किया है, इंस्टाग्राम पे फोटोज डाले हैं, तो पेरेंट्स ने यह ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो साइकिल बन गई है वो हमने वही तोड़नी है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें एडिक्शन हो गया है चैटिंग का, गर्ल से बात करने का, बॉयज से बात करने का, या गर्लफ्रेंड्स बनाने का। तो ये भी चेन है, बहुत ही विशियस चेन है, क्योंकि इसमें होता कुछ नहीं है, लोगों का फिजिकल अट्रैक्शन होते जाता है तो इसलिए लोगों को अच्छा लगने लगता है, लेकिन हमने ये चैनल ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है। स्पेशली जो एडल्ट्स एंड बॉयज है 15 16 17 साल के, वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं मुझे मास्टरबेशन का, हस्तमैथुन का एडिक्शन है। तो इसमें गौरतलब ये है कि उनको मास्टरबेशन करने के कारण उन्हें यही पता नहीं कि मास्टरबेशन ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, और उनको फिर गिल्ट फीलिंग तैयार होने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है, इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, और उनको लगता है कि मैं कोई भी चीज के काबिल नहीं हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, और फिर वो सुसाइड तक का भी डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए हमने एज अ ट्रीटमेंट ये ध्यान में रखना है कि एडिक्शन के कंपैरिजन में हमने ऐसी वो चीजें करनी है जो हमें अच्छी से अच्छा रिवॉर्ड दे। फॉर एग्जाम्पल, हमने रियल वर्ल्ड में लोगों से पहचान बनानी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, अलग अलग गेम्स खेलनी चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हमें ग्रेटिफिकेशन मिले, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़े। अगर हम अल्कोहल, व्हाट्सएप, फेसबुक, पोर्नोग्राफी, ये चीजें छोड़ के अगर हम बार 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 पढ़ाई करते हैं तो हमारा पढ़ाई का एडिक्शन हो जाएगा, विच इज अ यूजफुल थिंग। अगर हम दोस्तों से बात करते हैं, स्टेज पे लेक्चर देते हैं, तो हमारा स्टेज पे लेक्चर देने का एडिक्शन हो जाएगा, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। तो इसलिए हमने वो सब चीजें करनी है एडिक्शन में जो उसका जिसका फायदा होगा, लेकिन वो चीजों से हमको हमारे लाइफ में भी फायदा हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे हैं उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करना, बच्चों को समझाना कि ये सभी चीजें जो एडिक्शन है वो गलत है, वो करना गलत है, ऐसा समझाना बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ, सोचता हूँ कि एडिक्शन को बाहर निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन अगर कंटिन्यूड एफर्ट्स रहते हैं तो एडिक्शन से हम बाहर आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी आगे की वीडियोस लेके आऊंगा। धन्यवाद।